तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहले खबर में आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में पूजा करने का हिंदू किन्नरों ने किया ऐलान, कहा हर कीमत पर सोमवार को करेंगे यहां पर पूजा, रोक सके तो रोक ले योगी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में मुस्लिम युवक की हत्या के बाद तनाव, पुलिस ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सिंगापुर नहीं जा पाए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार को ठहराया इसका जिम्मेदार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सर्जिल इमाम ने राजद्रोह केस में निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कानपुर में दावत इस्लामी कार्यालय पर योगी सरकार चलवाएगी बुलडोजर, आदेश किया जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव गिरफ्तार, सीबीआई ने रेलवे नौकरी घोटाले की कार्रवाई में किया है गिरफ्तार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्ञानव्यापी मस्जिद में पूजा करने का किन्नरों ने किया ऐलान। जो दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पशुपतिनाथ अखाड़े की किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने ऐलान किया है कि वह वाराणसी स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद में 8 अगस्त को जल अभिषेक करेंगी। उन्होंने कहा है कि सावन में जल अभिषेक नहीं करेंगे तो कब हिंदू करेंगे। जबलपुर पहुंची महामंडलेश्वर और देश की पहली किन्नर हिमांशी सखी ने कहा कि 8 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है, उस दिन ही वो ज्ञानव्यापी मस्जिद में जाकर ज्ञानव्यापी मस्जिद में जल अभिषेक करेंगी। अगर प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो धरना प्रदर्शन करने से पीछे नहीं रहेंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर जेल जाना पड़ेगा तो उन्हें जेल जाना मंजूर है, लेकिन हर कीमत पर ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर वह जल अभिषेक करेंगी, पूजा करेंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदू किन्नरों ने किस तरह से ये विवाद बयान दिया है जिसके बाद देश में तनाव फैल सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में मुस्लिम युवक की हत्या के बाद पुलिस ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के मैंगलोर के सुथरकल में मुस्लिम युवक की हत्या के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस ने बताया कि कर्नाटक के दक्षिण हिस्से सुरतकल में फाजिल की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई है। युवक की हत्या के बाद मैंगलोर में तनाव फैल गया है, इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। साथ ही पुलिस ने कई हिस्सों में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि वह मस्जिद में नमाज पढ़ने ना जाएं और मस्जिद में नमाज पढ़ने पर सरकार ने रोक लगा दी है और अपने घर में ही नमाज अदा करें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हिंदू व्यक्ति की हत्या होती है तो मंदिरों में पूजा करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन मुस्लिम व्यक्ति की हत्या हुई है तो मस्जिदों में नमाज पढ़ने से मुसलमानों को कर्नाटक सरकार ने रोक दिया है और इस पर प्रतिबंध लगा दिया। आप देखते हैं दोस्तों कि कब तक मुसलमानों को कर्नाटक में मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिंगापुर नहीं जा पाए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार ने केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापुर नहीं जा पाए, उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से जरूरी अनुमति मिलने में बहुत समय लग गया जिसके चलते औपचारिकताएं पूरी करने का समय ही निकल गया। दिल्ली सरकार ने इसके लिए औपचारिक बयान जारी कर केंद्र की मोदी सरकार को दोषी ठहराया है। दिल्ली सरकार के बयान में बताया गया है कि 20 जुलाई तक सिंगापुर यात्रा की औपचारिकताएं पूरी करनी थी, जबकि उपराज्यपाल ने 21 जुलाई को फाइल लौटाई। मुख्यमंत्री की सिंगापुर यात्रा पर दिल्ली सरकार ने बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यदि सिंगापुर में आयोजित होने जा रहे वर्ल्ड सिटी समिट में नहीं जा पा रहे और इसकी वजह से दिल्ली के साथ साथ देश को अपमानित होना पड़ा तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सर्जिल इमाम ने राजद्रोह केस में निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका। या दोस्तों आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी सर्जिल इमाम ने अपने खिलाफ लगे राजद्रोह के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है। सर्जिल की अंतरिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस मामले में 25 अगस्त को सुनवाई करने का फैसला किया है। सर्जिल इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी। दिल्ली की निचली अदालत ने राजद्रोह केस में ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कटघर टूमा कोर्ट के इस फैसले को सर्जिल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। इमाम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी जिसने देशद्रोह के सभी मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कानपुर में दावत इस्लामी कार्यालय के अवैध निर्माण पर नहीं मिला कोई जवाब, योगी सरकार चलाएगी बुलडोजर। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के कानपुर में दावत इस्लामी कार्यालय के अवैध निर्माण का जवाब देने की अंतिम दिन शुक्रवार था। अभी तक भू स्वामी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसके अलावा KDA ने दावत इस्लामी कार्यालय के अगल बगल में हुए निर्माण के भी नक्शे की जांच शुरू कर दी है। भाई आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि योगी सरकार को दावत इस्लामी कार्यालय के अवैध निर्माण की पता चली तो योगी सरकार ने इस पर एक्शन लिया और अब योगी सरकार इस पर बुलडोजर कभी भी चला सकती है, क्योंकि अवैध निर्माण पर जो नोटिस योगी सरकार ने दिया था उसका अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है और इसके बाद अब योगी सरकार इस पर
जो है बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बेरोजगारी के मुद्दे पर एनसीपी बोली, बेरोजगार युवाओं की भावनाओं से खेल रही है मोदी सरकार, पीएम को याद दिलाया उनका वादा। या दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर 99% नौकरी के आवेदन खारिज करने और इस तरह देश में बेरोजगार युवाओं को बुरी तरह प्रभावित करने के लिए हमला बोला है। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि लोकसभा में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के बयान ने साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के अपने वादे में पूरी तरह विफल रहे, जैसा कि उनके चुनावी अभियानों में दावा किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2014 से सरकारी नौकरी के लिए 22 करोड़ आवेदन प्राप्त करना स्वीकार किया, हालांकि इसमें से केवल 7.22 लाख पर विचार किया गया। इसका मतलब है कि 99% से अधिक नौकरियों के आवेदन खारिज कर दिए गए और सभी आवेदकों में से केवल 0.32% को ही वास्तव में रोजगार मिल पाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये बड़ा हमला एनसीपी ने रोजगार को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव गिरफ्तार, सीबीआई ने रेलवे नौकरी घोटाले में की कार्रवाई। या दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बुधवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के तत्कालीन ओएसडी भोला यादव को रेलवे में नौकरी के लिए जमीन लेने के मामले में गिरफ्तार किया। भोला यादव 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के ओएसडी थे। सीबीआई सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान भोला यादव की भूमिका सामने आई थी। सीबीआई ने भोला यादव के पटना और दरभंगा के 4 ठिकानों पर तलाशी अभियान भी चलाया। यादव को दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई उनकी 2 सप्ताह की हिरासत की मांग कर सकती है। मई में सीबीआई ने 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के पास से कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, 2 बेटियां और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्ति समेत 15 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था और अब इन पर बड़ा आरोप लगा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जजों के खिलाफ निजी हमलों को लेकर कहा, जजों को टारगेट करने की एक सीमा होती है। जो दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में ईसाई संस्थानों और पादरियों पर बढ़ते हमले का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई में देरी करने की मीडिया में आई खबरों पर नाखुशी जताते हुए गुरुवार को कहा कि जजों को टारगेट करने की एक सीमा होती है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि हम पर दबाव बनाना बंद करें। पीठ ने आगे कहा कि पिछली बार मामले पर सुनवाई नहीं की जा सकी थी क्योंकि मैं कोविड-19 से संक्रमित था। अपने अखबारों में छपवाया कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में देरी करा। देखिए, जजों को टारगेट करने की एक सीमा होती है, ये सभी खबरें कौन देता है? कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि मैं ऑनलाइन खबरें देखी थी कि जज सुनवाई में देरी कर रहे हैं, हम पर दबाव बनाना बंद करिए। एक जज कोरोना वायरस से संक्रमित थे और इस वजह से हम मामले पर सुनवाई नहीं कर सके और मीडिया गलत तरीके से हमें आरोप लगा रहा था कि ये खुद ही सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्मृति ईरानी की बेटी से जुड़ा ट्वीट तुरंत डिलीट करें, हाईकोर्ट का कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को निर्देश। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा मानहानि की अर्जी पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को समन जारी किया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पवन खेड़ा को उस ट्वीट को हटाने का भी निर्देश दिया है जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था। दरअसल आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के द्वारा बार चलाने का आरोप लगाया था। स्मृति ईरानी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिस बार का जिक्र कांग्रेस नेता बार बार कर रहे हैं उससे उनकी बेटी का कोई रिश्ता या लेन देन नहीं है। दुर्भावना से उस बार के साथ मेरी बेटी का नाम जोड़ा गया है। इस मामले में आधारहीन और मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को बार लाइसेंस विवाद के आरोपों पर अपमानजनक पीठ को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। इस मामले में 18 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में जहरीली शराब से हुई मौतों के खिलाफ आपका प्रदर्शन। या दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में जहरीली शराब से हुई मौतों के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बीजेपी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर किया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने बैरिकेड लाकर उन्हें बीजेपी मुख्यालय से पहले ही रोक लिया। आम आदमी पार्टी का कहना था कि उनका ये प्रदर्शन गुजरात में मौजूदा शराब माफिया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। प्रदर्शन कर रहे पार्टी नेताओं ने कहा कि गुजरात में जहरीली शराब पीने से 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, राज्य की बीजेपी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, इसके लिए आम आदमी पार्टी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना था कि गुजरात में बीजेपी सरकार के संरक्षण में अवैध शराब बिक रही है। गुजरात में जहरीली शराब पीने से 30 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दिल्ली में इसका विरोध जताते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए बीजेपी मुख्यालय के निकट एकत्रित हुए। यहाँ इन प्रदर्शनकारियों ने गुजरात सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव जीतने के लिए अब नए नए हथकंडे अपना रही है और भाजपा का सूपड़ा साफ करने की तैयारी में जुटी हुई है। शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर,
थोड़ा सा डर लगता है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी।